कई से हमने सीपीयू कैबिनेट के डब्बे अनबॉक्स किए हैं, मोबाइल फोन्स के डब्बे अनबॉक्स किए हैं, स्मार्ट वॉचेस के भी डब्बे अनबॉक्स किए हैं। अब बारी है कुछ नया करने की, कुछ नया लाने की। तो हम लेके आए हैं आपके लिए i12 TWS ईयरपोड्स, मतलब ईयरबड्स हैं, बाकी जो ईयरपोड है उनका एकदम क्लोन वर्जन है, एकदम सेम टू सेम, वही के वही कॉपी है, सेम वही वही का वही, एकदम सारे सेंसर सब कुछ वैसा का वैसा मिलेगा। और प्राइसिंग की बात करें, प्राइसिंग आती है 280 रुपीज़ की। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मैं आपको इसका पूरा पहले तो अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा, एंड सेकंड थिंग इसकी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या इसको इसके अंदर आपको कंपोनेंट्स मिलते हैं, एंड थर्ड थिंग मैं आपको इसका रिव्यू दूंगा कि आपको ये परचेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसा प्रोडक्ट है ये। और ये जो जितना भी मैं रिव्यू दूंगा आपको, ये सारा मेरा 10 डेज यूजर्स के बेसिस पर रहेगा। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हमको देखने को मिलता है एक केस, और केस के बाद में हमको शायद कुछ नीचे है, हाँ नीचे इसके हमको केबल देखने को मिल रही है, केबल, और केबल के बाद हमको एक यूज़र मैनुअल देखने को मिल रही है। तो अगर आप यूज़र मैनुअल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा इसका कैसे कैसे सिस्टम करना है। जैसे मैं इसको पास ला रहा हूँ आप देख पा रहे हो ये सारे इसका डिटेल्स हैं। और चलो मैं फटाफट इसके सारे टॉप में बता देता हूँ। केबल की बात करें गाइस, इसमें केबल जो आप देख रहे हो ये टाइप ए वाली भी नहीं है ना, टाइप सी वाली है, ये जो आईफोन में यूज़ होती है वो वाली केबल इसमें देखने को मिल रही है, जो कि मुझे कुछ मतलब एकदम पूरा की तरीके से इसको आईफोन वाला लुक दे दिया है, जो एयरपोर्ट आते हैं ना आईफोन के लिए वो उसका लुक दे दिया। तो इन सब सामान को रखते पहले साइड में और लाते हैं हमारे केस को। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्टेपिंग निकाल लेते हैं, एंड देन कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है, फुल आगे पीछे सभी साइड से। एंड ये जो देख रहे हो पीछे साइड से, इसका यूएसबी केबल पोर्ट है, यहाँ से चार्ज होता है। एंड मैग्नेटिक देखने को मिल रहा है, मैग्नेटिक इसका फ्लिप है, काफ़ी बढ़िया है, जैसे आप देख रहे हो मैं कुछ भी निकाल रहा हूँ, एक मैग्नेटिक तरीके से हो रहा है। ईयरबड्स को निकालते हैं तो लाइट ब्लिंक होती है ब्लू एंड रेड कलर की, जो कि पेयरिंग का साइन देती है। एंड ये वाले ईयरबड को भी निकालते हैं तो ये भी पेयरिंग का साइन दे रही है। तो और इसके बाद जैसे चार्ज करना रहता है इसको, तो पीछे हमको एक स्विच देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जैसे ही हम स्विच को क्लिक करेंगे तो लाइट ऑन हो जाती है, तो मतलब ये ईयरबड्स इसके थ्रू चार्ज होते हैं। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, तो अब जैसे ही मैं बटन को ऑन करूँगा तो इधर देख सकते हो आप रेड कलर की लाइट जल रही, तो मतलब ये जो ईयरबड्स है चार्ज हो रहे हैं केस के थ्रू। एंड आपको इसको एक ही बार चार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी, अब जब भी इसके ईयरबड डिस्चार्ज हुए हैं आपको सिंपली केस में लगाना है और ये ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। सो कुछ इस प्रकार के इसका केस है और ये ईयरबड्स है, ईयरबड्स काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाले हैं ईयर्स को, कान को, तो इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है कान को, तो ये काफ़ी बढ़िया रहेंगे कंफर्टेबल। अब बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की, इसमें क्या क्या हमको सेंसर देखने को मिल रहे हैं। सेंसर में बात करें इसमें सिंगल टच में आपको जो म्यूज़िक है प्ले एंड पॉज होगा, डबल टच में आपको जो म्यूज़िक है वो चेंज होगा फॉरवर्ड या बैकवर्ड, एंड तीन टच में जैसे आप तीन बार टच कर रहे हो तो आपका जो गूगल असिस्टेंट है वो ऑन हो जाएगा, और आप जैसे इसमें 5 सेकंड तक इसको प्रेस करके रखते हो यहाँ पर सेंसर के पास में, सो जैसे आप सेंसर देख रहे हो सेंसर के पास में, जैसे ही आप 5 सेकंड तक टैप करके रखोगे ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो मैंने अभी सेंसर को टच करके रखा तो इसकी लाइट ब्लिंक्स हुई। सो कुछ इस टाइप का था। ब्लूटूथ वर्जन की बात करें, इसके अंदर आपको देखने को मिलता है 5.0 ब्लूटूथ वर्जन, एंड ईडीआर साउंड मिलता है दोनों साइड पे, एंड अल्ट्रा लो कंजप्शन पे आपको इसमें साउंड देखने को मिल रहा है। एंड सेकेंड थिंग बात करें इसकी ब्लूटूथ मोड की, तो ब्लूटूथ मोड इसमें आता है A2DP1.3/HFP1.6। बात करूँ इसकी ब्लूटूथ फ्रीक्वेंसी की, तो 2.4 GHz की फ्रीक्वेंसी में ये आता है, जो कि अपने कानों के लिए काफ़ी बढ़िया फ्रीक्वेंसी इस प्राइस रेंज में। एंड ब्लूटूथ रेंज की बात करूँ, जो कि ऑब्वियसली बात होती है कि यार कितना दूर तक कनेक्ट रहता है ये, कितना दूर तक इसका चल पाएगा, सो इसकी है कुछ 10 meter to 15 meter इसकी रेंज है, मतलब 10 से 15 meter के अंदर आप कहीं पर भी जाओ तो ये आपको कनेक्ट रहेगा, साउंड इसका प्रोवाइड होगा। एंड बात करें इसकी बैटरी कैपेसिटी, तो बैटरी इसकी आती है 30 mAh की, तो बहुत कम बैटरी हमें देखने को मिलती है इस प्राइस रेंज में, बाकी ठीक है यार अब इतना सस्ता मिल रहा है तो उसके हिसाब से ठीक है, 30 mAh काफ़ी बढ़िया चल जाती है। मैंने इसको यूज़ किया है 10 days के हिसाब से, तो 10 दिन के हिसाब से तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है, बैटरी भी इसकी काफ़ी बढ़िया चलती है।
एंड सेकंड थिंग बात करें टॉग एंड प्ले टाइम, तो जो प्ले टाइम होता है मतलब म्यूजिक का या मूवी देखने का टाइम होता है, वो इसमें आप 2 to 3 hours आराम से प्ले कर सकते हो। एंड अगर बात करें इसमें जैसे टॉक टाइम कर रहा है, तो आप 4 to 5 hours में आराम से टॉक टाइम कर सकते हो। इनबिल्ट माइक मिलता है इसके साथ, एक ये अच्छी बात है। एंड स्टैंड बाय टाइम, दोनों जो ईयरबड्स हैं वो 6-6 घंटे स्टैंड बाय रह सकते हैं, मतलब कि 6 घंटे तक आपको ना तो इनको पावर कुछ चार्ज करने की ज़रूरत है ना कुछ, ये 6 घंटे तक आपको स्टैंड बाय टाइम दे देंगे। एंड वेट की बात करूँ तो वेट दोनों में आता है 6 ग्राम इसमें एंड 6 ग्राम इसमें, मतलब 12 ग्राम्स काफ़ी लाइट वेट ईयरबड्स हैं ये इस प्राइस रेंज के अंदर। एंड सो कुछ इस टाइप इसके स्पेसिफिकेशन से मैंने अनबॉक्सिंग आपको दिखा दी है। एंड मेरा फाइनल रिव्यू मैं बताता हूँ आपको, मैं इसको 10 डेज से यूज़ कर रहा हूँ, ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगे एंड मुझे इसकी साउंड क्वालिटी भी बढ़िया लगी है। बट कहीं कहीं पर जब ये डिस्चार्ज होने लगते हैं तो इसका जो साउंड है वो हल्का हल्का गिरने लगता है। एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो एक बार मेरे कान से गिर गया था, तो एक साइड का जो ईयरबड है वो हल्का सा क्रैक हो चुका था, मतलब टूट चुका था। फिर मैंने उसको जोड़ा उसको वापस से एंड रिव्यू के लिए मैं लेके आया हूँ। ये 10 डेज मैंने इसका यूज़ किया है, 10 डेज के बाद ही मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। आप रैपिंग देख सकते हो इसके 10 डेज के बाद ही, जैसे कि आप रैपिंग के जो हालत है उससे आप समझ सकते हो कि मैंने 10 डेज बाद ही इसको यूज़ किया, ठीक है ना, मतलब अनबॉक्सिंग की है, यूज़ तो मैं पहले कर रहा हूँ। सो कुछ इस टाइप का ये है वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना तुम्हारा फेवरेट पार्ट, मतलब आपका फेवरेट पार्ट जो भी आपको वीडियो में पसंद आया हो।